दृश्यम मूवी वाले वाले फर्स्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आया, देख रहे हैं सिंगर थोड़ा टीवी देख रहा है हमारी तरह ही, हम भी मूवी देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। हाँ कहाँ है? किचन में। सच बताओ तिजोरी की चाबी कहाँ है? कौन सी तिजोरी? मुझे मुझे नहीं पता सच, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? विजय। कौन विजय? वही जो गाजर लेके मुझे धमका रहा है, और लगता है नहाया भी नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है। तो पानी गर्म करोगे तो नहाऊंगा ना? बाथरूम में जाके देखो, पहले ही रख दिया है। तुम्हें चलो। चल बदमाश, जाओ। अपनी मिस इंडिया कहाँ है? आईने के सामने कैटवॉक कर रही होगी। अनु। आई मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कल रात मैं तुम्हें फोन कर रही थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था। फिर से डेड हो गया था क्या? हाँ। तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? क्या फायदा, वहां रेंज ही नहीं है। अच्छा, तो होजे की मोबाइल को कहाँ से रेंज मिलती है? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए हमसे छुटकारा पाने का। हम तीन लेडीज यहाँ अकेले रहती हैं और तुम मतलब। एक मिनट, एक मिनट, जब तुम तीन हो तो अकेली कैसे हुई? फालतू जोक मत करो, घर आने के बजाय रात भर ऑफिस में बैठकर पिक्चर देखते रहते हो। हमारी तरफ कोई जिम्मेदारी है या नहीं तुम्हारी, कुछ तो हमारा भी ख्याल किया करो ना। अच्छा बाबा, क्या चाहिए? अरे मेरी डार्लिंग बीवी, बोलना। हमें पंजी जाना है। क्यों? शॉपिंग करनी है। अभी तो गए थे 6 महीने पहले। की थी ना, पैसे बचाने के चक्कर में इतने सस्ते कपड़े दिलवाए कि 6 महीने में उनके रंग उतर गए। तो इस बार पंजी के बजाय यहाँ किसी दुकान से खरीद लेते? नहीं, हमें पंजी जाना, क्योंकि हमें सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी, हमें पिक्चर भी देखनी है और पिज्जा भी खाना है। और आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम भी। लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते, तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? कुछ भी बोलती हो, आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है, पंजी का क्या स्पेशल है? तो मना कर रहे हो ना, मेजोरिटी विंस, फिर भी मना कर रहे हो। हम भी देख लेंगे। मैंने कहा ना बोला, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मतलब हम पंजी जा रहे हैं? हाँ पक्का। इस संडे हम पंजी जा रहे हैं। खुश। क्या रे जिंदगी, क्या है तू, अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू, तेरी कार्बन कॉपी हूं मैं या मेरा आईना तू। क्या रे जिंदगी, क्या है तू, अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू, अब लर की तरह लिपटी है गले,
गुदगुद करती है पांव तले, चिड़चिड़ी सी है, लक्जरी सी है, मुँह लगे है तू, अरे अगले मोड़ पे मिलना तू। अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू, अगले हफ्ते ना एक नेचर कैंप है और गोवा के हर स्कूल से दो दो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। हाँ, और मेरे स्कूल से ना मुझे सिलेक्ट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन मैंने जाने से मना किया है। क्यों? ऐसे नेचर कैंप में तो जाना चाहिए नंदनी। असली नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, उसके लिए नई नई जगहें घूमनी चाहिए, नए नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई चीजें देखनी चाहिए। इतना ही है तो आप फीस दे दीजिए ना। फीस 1800 रुपए। मुझे लगता है कि असली नॉलेज किताबों में ही मिलती है। पर अभी आपने हाँ बोला था, अब आप अचानक से यूटा नहीं ले सकते। प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। प्लीज पापा, प्लीज। अच्छा बाबा, थैंक यू। हंसते हंसते यूं पल पड़ जाते हैं, सांस को आने देना, सूखे पत्ते सारे झड़ जाते हैं, होश तो आने देना, उलझड़ी सी है, चढ़ी सी है, ओ हथकड़ी है तू, अरे घूम के फिर से मिलना तू। क्या रे जिंदगी, क्या रे जिंदगी, क्या है तू, अरे क्या रे जिंदगी, क्या है तू, तेरी कार्बन कॉपी हूँ मैं, क्या मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग है यार, मजा आ गया ये सुनकर। ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है ना सिंगम, बहुत खुशी हो रही है। और फर्स्ट टाइम ऐसा दिखा है हमने सिंगम को कि उसकी दो बेटियां भी है और वो टेपलू बॉस वाली बीवी भी है, और वो बेचारे कह रही है हमें टाइम दो, क्यों टीवी देखते रहते हो। तो अच्छा लगा यार, ये सॉन्ग बहुत अच्छा था, बड़ा जबरदस्त सॉन्ग था यार। क्या है जिंदगी, वाह जी वाह, सिंगम भाई एंजॉय कर रहा है ना, हमें मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी फैमिली है इनकी, बेटियां भी बड़ी मजा किया है भाई, बड़े एंजॉय करे ना। हाँ भाई, आज मजा आ गया सुनकर, ये वाले सॉन्ग बड़ा अच्छा था, खास कर फैमिली के साथ घूम रहे थे तो हंसी मजाक चल रही थी, शॉटिंग के बाद थोड़ा मार धाड़ होती तो और मजा आ जाता। सिंगम को ये खामोशी अच्छी नहीं रहती है, सिंगम शेर है ना भाई, ये वाला सॉन्ग बहुत अच्छा लगा। ये वाला सॉन्ग भाई कमाल का था भाई, क्या स्लोली स्लोली सॉन्ग, और भाई नजारे क्या गाड़ी में घूम रहे थे सिंगम भाई, तो मजा आ गया।